आज ऑफ कोर्स जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है कि इन दोनों कंपनियों को नेप्था यूज करने की इजाजत दी गई है अपने प्लांट्स को चलाने के लिए, जब इनको गैस की सप्लाई पर्याप्त नहीं मिल रही है. अविनाश, इन दोनों ही कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर या फिर स्पिक? नहीं, आई थिंक हर्षदा, आई थिंक अगर नैप्ता इनको यूज़ किया जाने को अलाउ होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत इनकी थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है, क्योंकि गैस अवेलेबिलिटी में पहले भी सप्लाई साइड से काफ़ी प्रॉब्लम्स थे. मैं समझता हूँ थोड़ा सा डेफिनेटली इनको इनपुट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हेल्प होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि इनके कैश फ्लोज इतने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होंगे. आई थिंक इनके लिए क्लियरली आई थिंक नई यूरिया प्राइस ही आएगी, और उसके बाद ही अगर उनको फ्री हैंड दिया जाएगा प्राइसिंग में तो ही क्लियरली ज़्यादा बेनिफिट उनको उनके बॉटम लाइन और मार्जिन्स पे पड़ेगा. बट क्लियरली आई थिंक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको ये तेज़ी जो आप कल से देख रहे हैं शायद एक दो दिनों के लिए और भी चले, लेकिन क्लियरली मानसून का जो प्रोग्रेस रहेगा वो मेरे ख्याल से आईएमडी का ऑफिशियल फोरकास्ट 15 तारीख को आने के बाद पता चलेगा. तो आई थिंक मानसून विल बी अ बिग ट्रिगर, बट नेवर्थलेस इन द शॉर्ट टर्म यहाँ पे सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए.